और भीषण गर्मी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला। यहां उन्होंने भेड़े को घास खिलाई, शेर को उसके बाड़े में प्रवेश कराया और बाघ के साथ बातचीत की। चिड़ियाघर में योगी का अंदाज वायरल हो रहा है। नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जानवरों से प्रेम किसी से नहीं छिपा है। इसका एक और नजारा देखने को मिला गोरखपुर चिड़ियाघर में, जहां आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में प्रवेश कराया। इन दोनों दुर्लभ वन्य जीवों को मई महीने के अंतिम हफ्ते में इटावा लायन सफारी से लाया गया था। इसके बाद सीएम योगी ने चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए निरीक्षण भी किया। इस दौरान भ्रमण करते हुए सीएम योगी गेंडों की जोड़ी हरी और गौरी के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों को चारा खिलाया। गेंडों की ये जोड़ी मुख्यमंत्री को काफी प्रिय है। इसके पहले 2 जून को वो यहां आकर उन्हें केला खिला चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमालयन भालू बिल्लू के बाड़े में भी पहुंचे, उसे आवाज देकर बुलाया। गर्मी से परेशान भालू को उन्होंने आइसक्रीम, बर्फ का गोला और शहद खिलाया। हरी गौरी और बिल्लू के बाड़े के पास सीएम ने कुल मिलाकर करीब 12 मिनट का वक्त बिताया। उन्होंने चिड़ियाघर के अन्य वन्य जीवों के बाड़े का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान लखीमपुर के जंगल से रेस्क्यू कर लाए गए बाघ का नामकरण किया गया। बाघ का नाम उन्होंने शक्ति रखा। नामकरण के बाद बाड़े के अंदर ये बाघ काफी देर तक दहाड़ता रहा। नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। इससे पहले 2 जून को भी मुख्यमंत्री ने बाघ के बाड़े के पास जाकर जानकारी ली थी। Z News.